अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब यार? आज की वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप की जो कर फोटो बनाएंगे, और वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपने अपने पिक्सआर्ट को जो ओपन कर लेना है, और उसके बाद जो आपने एक जो वाइट बैकग्राउंड लेना है। ओके, देन उसके बाद आपने क्रॉप वाले ऑप्शन में आ जाना है, और यहाँ से आपने इसको जो है क्रॉप कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपने फेसबुक कवर या इसके ऊपर वाला साइज़ जो है पोस्ट वाला वो ले लेना है। ओके, तो यहाँ से इसको डन करना है। उसके बाद जो आपने आ जाना है एड फोटो में, और जो भी आपकी फ़ोटो है वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने जो स्क्रीनशॉट लिए हुए थे ये मैंने ऐड कर लिए यहाँ पे, और उसके बाद जो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ। ओके, तो इन दोनों को इस तरह मैंने क्रॉप कर दिया है। ओके, तो उसके बाद जो आपने इरेज वाले टूल में आ जाना है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो आपने इरेज कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके, तो इसको मैंने यहाँ पे जो इरेज कर लिया। उसके बाद जो आपने अपनी सेकंड वाली फ़ोटो पे आ जाना है, तो इसको जो यहाँ से मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ। उसके लिए आपने फ्लिप रोटेट में आ जाना है, और इस तरह से आपने इसको रोटेट कर लेना है जो है लेफ़्ट साइड में। ओके, उसके बाद जो आपने इसको ले आना है टू मूव अप पे। ओके, फ्रंट पे ले आना है आपने। उसके बाद जो आपने अगेन आ जाना है इरेज वाले टूल में, और इसका बैकग्राउंड भी आपने जो है इरेज कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे इसको भी जो है मैंने इरेज कर लिया है। इसको जो है आपने अच्छी तरह से जो है इसका बैकग्राउंड जो है इरेज कर लेना है। ओके, उसके बाद जो है आपने इन दोनों को बिल्कुल जो है अपनी जो कवर साइज है इसके सेंटर में ले आना है। ओके, तो कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग करने के बाद जो आपने इसकी ओपोसिटी में आ जाना है, और इसकी ओपोसिटी जो है आपने कर लेनी है 50 पे। ओके, इन दोनों की जो ओपोसिटी होगी वो आपने 50 पे कर लेनी है, और आप चाहें तो इनको ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने जो टूल में आने एडजस्ट में आके इसकी जो सेचुरेशन होगी इसको आपने -0 पे कर लेना है। ओके, तो कुछ इस तरह से मैं इसको ओके कर लेता हूँ। देन उसके बाद जो है आपने अगेन आ जाना है एड फोटो में, और दो फोटो यहाँ पे मैं और ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। और ये फ़ोटो आपने कुछ इस तरह की ऐड करनी है, जो कि आपकी साइड में लगाने के बाद आपको जो है मतलब इस तरह इसकी सेटिंग आ जाए कि देखने में अच्छी लगे। ओके, तो मैंने सेम एक जैसी फ़ोटो जो है ले ली है साइड के लिए, और इसका बैकग्राउंड भी जो है आपने इरेज कर लेना है।
तो यहाँ पे जो मैंने दोनों फोटोज़ का जो बैकग्राउंड था वो इरेज कर लिए। उसके बाद जो आपने कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग करके इसको सिंपली ओके करना है। देन उसके बाद जो आपने इसको यहाँ से सेव करना है और अब जो है आपने आ जाना है अपने लाइट रूम में, और सबसे पहले आपने कलर वाले टूल में आना है और यहाँ से ऊपर आपने आ जाना है मिक्स वाले टूल में। ओके, तो मिक्स वाले टूल में आने के बाद जो सबसे पहले आपने रेड कलर में आ जाना है। इसकी जो सेचुरेशन है इसको आपने हल्का सा इंक्रीज़ करना है और इसकी लुमिनस को भी, और उसके बाद आपने आ जाना है ऑरेंज कलर पे, तो इसकी सेचुरेशन थोड़ी आपने माइनस करनी है और इसकी लुमिनस जो है आपने इस तरह इंक्रीज़ कर लेनी है। इससे क्या है इसकी स्किन का कलर जो है वाइट हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद जो आपने ग्रीन पे आना है, तो सेचुरेशन -100 पे, और बाकी जितने भी कलर हैं इन सब की सेचुरेशन जो है आपने -100 पे कर लेनी है। ओके, उसके बाद जो है आपने आ जाने लाइट वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे इसका एक्सपोजर जो है आपने +20 पे करना है, कंट्रास्ट पे आपने प्लस करना है, उसके बाद जो है हाईलाइट माइनस, शेडो प्लस, वाइट माइनस, और इसका जो ब्लैक है वो भी प्लस। देन उसके बाद जो आपने आ जाने यहाँ पे इफेक्ट्स वाले टूल में, तो इसकी जो क्लैरिटी है इसको आपने इंक्रीज कर लेना है 12 पे, और उसके बाद जो इसको आपने थोड़ा सा जो है इस तरह माइनस कर लेना है। उसके बाद जो आपने आ जाना डिटेल में, तो इसकी शार्पनिंग जो है आपने इंक्रीज़ कर लेनी है 26 या 24 पे, और इसका जो नॉइस रिडक्शन है इसको भी आपने इस तरह 50 पे इंक्रीज़ कर लेना है, 40 या 50 पे। ओके, और इसका जो कलर नॉइस है इसको भी आपने 20 से 25 पर इंक्रीज़ कर लेना है। उसके बाद जो आपने इसको यहाँ से शेयर करना है अपने स्नैपसीड में। ओके, तो स्नैपसीड में आने के बाद जो सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो लगाना है पॉप इफेक्ट्स, देन इसको जो आपने सिंपली यहाँ से ओके करना है। उसके बाद जो आपने आ जाना है टूल में, और यहाँ से आपने आ जाना है पोर्ट्रेट में। तो इस पर कवर फोटो जो आपने पिक्स आर्ट से बना लेनी है। उसके बाद जो आप चाहें जैसे आपको अच्छा लगे आप उस तरह का इफेक्ट इस पर जो लगा सकते हैं, आप चाहें तो फोटोशॉप से भी लगा सकते हैं या टूल वीज भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करते हैं। ओके, जस्ट आपने इसकी पिक्स आर्ट से सेटिंग करनी है, उसके बाद जो इफेक्ट्स आप जिस तरह चाहें इस पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो आपने कंट्रास्ट में आके इसकी जो मिड टून और हाई टून कम कर लेनी है। उसके बाद आपने इसकी जो ट्यून इमेज में आना है और इसका जो कंट्रास्ट है इसको आपने कर लेना है कुछ इस तरह से माइनस, और उसके बाद जो सिचुएशन है इसको भी आपने माइनस कर लेना है, और इसका जो हाईलाइट नहीं बल्कि शेडो है इसको भी आपने माइनस कर लेना है। ओके, तो इसको यहाँ से ओके करना है। उसके बाद जो हम आ जाते हैं यहाँ पे ड्रामा पे। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद जो आपने इसका जो फिल्टर स्ट्रेंथ है इसको आपने 0 पे करना है, और इसकी जो सेचुरेशन है इसको आपने कर लेना है, अगर आपको कम लग रही है तो आपने इस तरह प्लस कर लेनी है, नहीं तो आपने 0 पे कर लेनी है। ओके, उसके बाद जो इसको सिंपली शेयर करते हैं। हमारा इफेक्ट्स जो बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब जो आपने पिक्स आर्ट में आना है और यहाँ से आपने इसको करना है रिसाइज। ओके, सबसे पहले आपने इसको रिसाइज करना है, तो आपने यहाँ पे 666 इस तरह टाइप करना है, तो ये आपको खुद इसका साइज़ ये बता देगा 5635। ओके, तो इस साइज़ पे आपने इसको कर लेना है रिसाइज। देन उसके बाद जो आपने आ जाना है इफेक्ट्स में, और इफेक्ट्स में आने के बाद जो आपने आ जाना है यहाँ पे ये फिल्म इफेक्ट्स पे। ओके, यहाँ पे आने के बाद जो आपने इसका फेड इसको कर लेना है कम, इसको जो आपने कर लेना है इस तरह 65 या 70 पे। ओके, और इसका आउटपुट शिफ्ट और इनपुट शिफ्ट जो आपने कम कर लेना है। इससे जो आपकी फोटो में एक मतलब स्मूथनेस आ जाएगी। ओके, उसके बाद जो आपने इसको ओके करना है यहाँ से, और अब जो है आपने आ जाना है यहाँ एड फोटो में। तो ये PNG जो है मैंने जो है सिंपल सा जो है पिक्सल लेप से जो है बना के रखा हुआ है, ये बना के दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने इस तरह इसको वहाँ से ट्रांसपेरेंट सेव करके यहाँ पे आके ऐड करना है, और उसके बाद जो आपने ब्लेंडिंग में आके इसका मूड ओवरले करना है, और उसके बाद जो आपने एक इसकी डुप्लीकेट बनानी है, और ब्लेंडिंग में आके इसका मूड आपने कर लेना है नॉर्मल या मल्टीप्लाई आपने कर लेना है। ओके,
और उसके बाद जो इसकी ओपेसिटी जो है आपने 75 से 85 पे करके डन करना है। नीचे वाली लेयर इसलिए जो है ओवरले की है ताकि इसमें थोड़ा जो है ग्लास फोन वाला लुक आ जाए। ओके, उसके बाद जो ऊपर वाली लेयर होगी उसकी ओपोसिटी आपने कम कर लेनी है ताकि हमारी जो ओवरले वाली लेयर है वो भी दिखने में नज़र आए। ओके, तो कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग करने के बाद आपने इसको ओके करना है और यहाँ से आपने इसको कर लेना है सेव। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।